हेलो मेरे दोस्तों, मेरा चैनल आप सभी का चैनल आद्री एक्सपेरिमेंट में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भाई अरिंदम। मैं सबसे पहले तो आप सबको सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। आई एम सॉरी कि मैं पिछले 6 महीने से 7 महीने से कोई वीडियो मैंने बनाया नहीं है। मेरा मेन होम सिटी है कोलकाता, तो लेकिन ऑफिस के कारण से मुझे 7 महीने के लिए गुवाहाटी आसाम में रहना पड़ा, तो इसीलिए आप सबके लिए नया सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो ला नहीं सका, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ, 4-5 दिन हुआ मैं कोलकाता वापस आया हूँ। अब से मैं यहाँ पर रहूँगा, तो जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो अब लाता रहूँगा नए नए सब्जेक्ट के ऊपर। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। जैसे कि मेरे दोस्तों आप लोग सब जानते हैं, मेरे पास 2 सोलर का सेटअप है, एक है डीसी एक है एसी, जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो मेरा अभी तक सामान आया नहीं है ऑनलाइन, तो एक इशू मैं फेस किया हूँ घर आके ये 4-5 दिनों के अंदर। मेरा जो डीसी वाला प्रोजेक्ट है जिसमें 12x50 का एक पैनल लगा है, जिसके साथ कुछ डीसी लाइट का सेटअप लगा है, लेकिन उसमें बहुत सारे माइक्रो क्रैक आ गए थे सोलर में। वो सोलर पैनल कम से कम 8 से 10 साल पुराना है, उसका जो सेटअप है वो भी 8 से 10 साल पुराना है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। ये जो सोलर सेटअप आप देख रहे हैं, ये सोलर पैनल मेरा कम से कम 10 साल के आसपास पुराना है। इसके साथ एक 80Ah का बैटरी लगा हुआ है, जिसके साथ मेरा बहुत सारा कनेक्शन चलता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे माइक्रो क्रैक आ गए हैं सोलर पैनल के ऊपर, आप गौर से देखिए। तो इसमें क्या सच में इफ़ेक्ट होता है कुछ पावर में, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ आज। देखिए कितने सारे माइक्रो क्रैक हैं। नेचुरली जो नया सोलर पैनल है, जैसे ये वाला है नया सोलर पैनल, इसमें देखिए एकदम नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा, कोई क्रैक कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्रैक हैं पैनल के ऊपर। इसमें अभी वोल्ट कितना बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें अभी 11.8 वोल्ट बन रहा है, और बैटरी को ये चार्ज दे रहा है, जो बैटरी ये चार्ज नहीं था बिल्कुल भी, तो ये चार्ज इसको भी दे रहा है। ये वाला जो कंट्रोलर है ये नया है, और ये कंट्रोलर मेरा कम से कम 8 से 10 साल पुराना है, जब मैंने पहले सोलर पैनल लिया था तब लिया था। पता नहीं क्या है इसके अंदर, मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ ये। तो इसमें 11.8 अभी वोल्ट दिखा रहा है। हम लोगों का इधर आसमान अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं है, धूप आ रहा है लेकिन पूरा साफ़ नहीं है। इसमें कितना पावर जनरेट हो रहा है और कितना दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 2 मोटर है, ये 24 वोल्ट का मोटर है एक वाटर प्यूरीफायर का, और ये एक मेरे हाथ से बना हुआ जुगाड़ू फैन है, ये आपका 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। तो जैसे कि ये पैनल मुझे अभी 12 वोल्ट दिखा रहा है कि नहीं दे रहा है, और एम्पियर ये कम कम लगभग 1.8 एम्प तक ये अभी जनरेट कर रहा है। तभी देखते हैं ये दो इसको चला पाता है कि नहीं। देखिए जो सोलर पैनल है, मैंने यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, और सोलर पैनल का कनेक्शन मैंने मोटर के साथ कर दिया है। मैं आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा जो 24 वोल्ट का मोटर है वाटर प्यूरीफायर का, ये आराम से चला पा रहा है इसको। अब मैंने मेरे इस फैन के साथ कनेक्शन कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का कनेक्शन। ये मैंने डायरेक्टली सोलर पैनल के साथ लगा दिया है, जो मेरा ख़राब वाला सोलर पैनल था उसके साथ। देखिए ये पंखा ईजीली घूम रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो कभी भी सोलर पैनल में अगर आपका माइक्रो क्रैक या जलने के थोड़े से छोटे छोटे जलने के निशान अगर आपके आए, तो ये आपके काम करना बंद नहीं करेंगे, आपका पावर आपका प्रोड ये आपका पावर जनरेट करते रहेंगे। तो
इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, इसका पावर जनरेट थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब पावर जब ये बनाता है ना बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये आपका पावर जनरेट करता रहता है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मेरे कुछ यूट्यूबर दोस्त ने, मेरे कुछ भाइयों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि सोलर में जब ख़राबी आता है, पैनल में क्रैक आता है या जल जाता है, मतलब हल्का हल्का सा जलने का निशान आ जाता है पैनल के ऊपर, तब तो क्या वो काम करना बंद कर देता है? तो ये मुझे दिखाना था कि ये काम करना बंद नहीं करता है, क्या करता है, ये अपना कैपेसिटी थोड़ा सा इसका कम हो जाता है। जैसे पहले जब वो आप नया सोलर पैनल ख़रीदते हैं तो वो सपोज़ आपका जो 12 वोल्ट होता है वो आपका 13 प्लस वोल्ट देता है, लेकिन इन फ्यूचर जब 10 साल 15 साल बाद वो आपका वोल्ट कम हो जाता है, वो आपका 12 वोल्ट के नीचे आ जाता है, लेकिन वो पावर आपका जनरेट करता है। कंपनी का जो रिप्लेस का जो रूल है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है कि जब तक ये काम करेगा, ये पावर जनरेट करेगा, तो तब तक कंपनी इसको चेंज नहीं करेगा। अगर कोई सोलर पैनल काम करना बंद कर दे तो कंपनी उसको रिप्लेस करके देती है। ये काम करना बंद नहीं करता है, लेकिन इसका पावर जनरेट बहुत कम होता है।